आज केंद्र की सरकार ने तानाशाही तरीके से जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता जो समाप्त की है, उसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस जिला हेडक्वार्टर पर गांधी जी की मूर्ति के समक्ष सत्याग्रह कर रही है। ये सत्याग्रह हमारा 5 बजे तक चलेगा। जिस प्रकार अंग्रेजों के समय कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया और सत्याग्रह के द्वारा ही देश में आज़ादी प्राप्त की, उसी प्रकार कांग्रेस भी सच्चे रास्ते पर चलते हुए सच्चाई की जीत के लिए पूरे देश में गांधी जी के समक्ष बैठकर अपना सत्याग्रह कर रही है। इस देश की स्वतंत्रता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। लोकतांत्रिक सिस्टम पूरा खतरे में चल रहा है और आम आदमी कोई अपनी बात ही नहीं कह पा रहा। जो दमनकारी नीति ये देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मैं समझती हूँ आज़ाद भारत के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज सन 47 के अंदर हमारे देश के शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत मुश्किल से इस देश को आज़ाद कराया था और लोग 60 साल से खुशी के साथ ही स्वतंत्र भारत के अंदर अपना जीवन निर्वहन कर रहे थे। सरकारें, कांग्रेस ने भी बहुत साल तक राज किया, लेकिन इस तरह का माहौल कभी देखने को नहीं मिला। आज अपनी बात कहने के लिए आदमी डर रहा है। एक खौफ का, एक भय का माहौल इस देश के अंदर बना हुआ है और राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह का कृत्य किया जा रहा है, मैं समझती हूँ इससे बड़ा अफसोस, इससे बड़ा दुखदायी स्थिति इस देश के अंदर कभी नहीं आ सकती। इन तमाम दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोग सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज पूरे देश के अंदर गांधी जी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह आंदोलन कर रहा है, जिसमें हम लोग भी कर रहे हैं और हम लोग आखिरी समय तक स्वतंत्र भारत के अंदर अपने हकों के लिए, अपने हकूकों के लिए राहुल गांधी जी की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को जोड़ेंगे। देश में राहुल गांधी जी के साथ जो किया, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना है। एक छोटी सी बात हो, एक भाषण को लेकर इतना बड़ा फैसला कभी देश के इतिहास में नहीं हुआ आज तक। किसी को उन्होंने कुछ नहीं कहा, छोटी सी बात को लेके उनको पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया, 2 बार उन्होंने स्पीकर को लिख के दिया, 3री बात खुद स्वयं मिले, ये प्रायोजित है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है पार्लियामेंट की सदस्यता समाप्त करना। छोटी सी बात पे, किसी का नाम थोड़ी लिया, छोटी सी बात पे जो लोग रोज़ कहते हैं, उस बात पे इतना बड़ी सज़ा करना, प्रायोजित सज़ा, कि 2 से कम करते तो होता नहीं उनका उद्देश्य पूरा। जो बोलने का उनको जो बराबर वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में बोलने दिया जाए, उस बोली को बंद करने के लिए तानाशाही रवैया है। और ये पूरा देश इंदिरा जी के साथ भी 1978 में ऐसा ही किया था। इंदिरा जी की सदस्यता समाप्त की थी चिकमंगलूर से। ये जो बाहरी जो बड़े लोग हैं, बीजेपी के जो बड़े लोग हैं, ये राहुल गांधी जी को कभी बर्दाश्त नहीं करते। जो सही कहता अडानी के मामले में, क्यों नहीं बोलने दिया? पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे वो? क्या पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते वो? परमिशन मांग रहे, क्यों नहीं परमिशन दी? पहली बार देखा है देश के इतिहास में कि रूलिंग पार्टी, प्रधानमंत्री की पार्टी, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है। ये लोकतंत्र समाप्त करने की ओर बढ़ रहा है इस बार। निश्चित रूप से राहुल जी ने जो कहा वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है। और ये जो अडानी है, ये 20,000 करोड़ का जो घोटाला है, ये कोई राहुल गांधी जी ने थोड़ी कहा, ये तो पूरी पार्लियामेंट, पूरे वर्ल्ड में हुआ है। ये तो खुद का घाटा हुआ है, खुद का सारा पैसा खा गया। तो निश्चित रूप से बड़ी घटना थी। इसकी JPC की जो मांग है, विपक्षी जो JPC की मांग को मंजूर करना चाहिए। और JPC की मांग कांग्रेस के ठमे, विपक्ष ने जब भी मांग की तब कांग्रेस ने JPC का गठन किया। क्यों नहीं करते JPC का गठन? पार्लियामेंट को चलाना नहीं चाहते, खुद सत्तारूढ़ पार्टी नहीं चलाना चाहती। इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए कोई काला धब्बा नहीं हो सकता।